हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी एक ऑटो पार्ट्स कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑटो पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी काफ़ी खास कंपनी है और इस कंपनी ने पिछले कई सालों से मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर इस कंपनी का इतिहास देखें तो अपने पूरे इतिहास में इस कंपनी ने 30% से ज़्यादा CAGR यानी कि सालाना रिटर्न दिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस कंपनी में खास क्या है और क्यों इस कंपनी ने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया, ऐसा स्पेशल इस कंपनी में है क्या। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के फाउंडेशन से। कंपनी की स्थापना की थी विवेक चांद सहगल ने। इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी अपनी माँ के साथ, इसीलिए कंपनी का नाम रखा गया मदर सन, यानी कि मदर और सन के बीच में ये कंपनी बनाई गई थी तो इसका नाम हुआ मदरसन। और फिर इस कंपनी ने सुमीटोमो जापान की एक कंपनी से ज्वाइंट वेंचर कर लिया तो इसका नाम हो गया मदरसन सुमी। तो इस तरीके से इस कंपनी का नाम रखा गया। मदरसन सुमी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बहुत सारी एसेसरीज बनाती है, जैसे वायर हार्नेस बनाती है, रियर व्यू मिरर बनाती है और जो कार में कई तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। ऑलमोस्ट जो भी एसेसरीज यूज़ की जाती है बहुत सारी एसेसरीज का ये मैन्युफैक्चर करती है, ये बनाती है। अगर मदरसन सुमी के मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो ये अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है। तो इसकी सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट है? जैसा कि अपने को पता है दोस्तों कि बहुत कम कंपनियां होती है जो बड़ी कंपनियां बन पाती है। बहुत सारी स्मॉल कंपनियां होती है, छोटी कंपनियां होती है, लेकिन वो कभी भी बड़ी कंपनियां नहीं बन पाती। बहुत ही कम कंपनियां होती है जो छोटी कंपनियों से बड़ी कंपनियों का सफ़र तय करती है, तो उसमें मदरसन सुमी भी है। ऑटो पार्ट्स का जो सेक्टर है ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेक्टर है, यहाँ पे कंपनियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बहुत ही ख़राब सेक्टर है ये मान सकते हो आप, जिस प्रकार से टेलीकॉम का सेक्टर है, एयरलाइन का सेक्टर है, उसी प्रकार से ऑटो पार्ट्स का ये सेक्टर है। ख़राब से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है। जब स्लो डाउन आता है तो बहुत सारी कंपनियाँ बैंकक्रप्ट हो जाती है। बहुत रेयर कंपनियाँ होती है जो यहाँ पे टिक पाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनका मार्जिन काफ़ी लो होता है, ये बहुत ही लो मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। अपने इंडियन मार्केट में बहुत सारी ऑटो पार्ट्स कंपनियों के मार्जिन आप चेक कर सकते हो। बहुत ही रेयर कंपनियाँ होती है जिनके मार्जिन 10% से ज़्यादा होते हैं, तो इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पे लेबर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लेबर की यूनियंस होती हैं, उनके बहुत सारे लॉज होते हैं, वो सारे कंपनियों को फॉलो करने पड़ते हैं। एक तरफ से तो जो लेबर यूनियन होता है उनका प्रेशर इनके ऊपर होता है, दूसरी तरफ से जो ऑटो कंपनीज हैं जिनको ये पार्ट सप्लाई करते हैं उनका प्रेशर होता है। वो बार बार इनको प्रेशर डालते हैं कि आप अपना मार्जिन कम कीजिए, हमें और सस्ते में चाहिए, हमें और सस्ते में चाहिए। तो दोनों तरफ से इनको दबाया जाता है, एक तरफ से यूनियन दबाती है, दूसरी तरफ से ऑटो कंपनीज दबाती है, तो इसी कारण इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। दूसरा होता क्या है कि इनके पास जो ब्रांड का पावर होता है वो नहीं होता है, क्योंकि इनके जो कस्टमर है वो होती है ऑटो कंपनीज, उनको ये अपने पार्ट सप्लाई करते हैं। इस वजह से जो पार्ट्स पे ब्रांड का लोगो लगता है वो लगता है ऑटो कंपनीज का, तो इनके पास मार्जिन का कोई गुंजाइश नहीं होता है, मार्जिन कहीं पे ये बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो इन सारे कारणों की वजह से होता क्या है कि इनका मार्जिन काफ़ी लो होता है, और जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जैसे कि कार्स की सेल्स कम हो जाती है, जो ऑटोमोबाइल में स्लो डाउन आता है, तो बहुत सारे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। बहुत ही हाई कॉम्पिटेटिव ये इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में ये मदरसन सुमी किस तरीके से सर्वाइव कर गया, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मदरसन सुमी के सर्वाइव करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है इनके एक्विजिशंस और ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर और एक्विजिशंस के पावर पे मदरसन सुमी ने इतनी बड़ी सक्सेस आज हासिल की है। ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, काफ़ी बड़ा इनका नाम है, बहुत सारी ऑटो पार्ट्स कंपनियां हैं, लेकिन मदरसन सुमी काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी वेल रन कंपनी है। जो टॉप 100 ग्लोबल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, मदरसन सुमी का नाम भी उनमें आता है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पूरे इतिहास में इन्होंने 20 से ज़्यादा एक्विजिशंस किए और 30 से ज़्यादा ज्वाइंट वेंचर किए। ये क्या करते हैं कि जो कंपनी लॉस मेकिंग होती है, जो प्लांट लॉस मेकिंग होता है, उसको ये खरीद लेते हैं और उसको प्रॉफिट मेकिंग बना देते हैं। तो ये इनके पास कैपेबिलिटी है,
इनका जो मैनेजमेंट है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदकर उसको प्रॉफिट मेकिंग बना देते हैं। तो यही सीक्रेट है मदरसन सुमी की सक्सेस का। मदरसन सुमी का मानना है कि हम किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को जाकर ये नहीं कहते कि हम आपको खरीदना चाहते हैं, और अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी हमारे पास आकर बोलती है कि आप हमें खरीद लो तो भी हम उस कंपनी को नहीं खरीदते हैं। तो ये किस तरीके से कंपनी को खरीदते हैं? इनका मानना है कि जो हमारे क्लाइंट है यानी कि मदरसन सुमी के क्लाइंट है मारुति, फोक्स वेगन, बीएमडब्ल्यू, ओडी, टोयोटा, निशान, हुंडई, टाटा मोटर्स, जीएम, फोर्ड, जो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं उन सबको ये पार्ट सप्लाई करते हैं, तो ये उनके क्लाइंट है। तो मदरसन सुमी कहता है कि हम किसी भी कंपनी को तभी खरीदते हैं जब हमारे क्लाइंट जो ये कंपनियां हैं वो आकर हमसे कहती है कि आप इस कंपनी को खरीद लो, तभी हम कंपनी को खरीदते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं कि इनको यहाँ से बिजनेस की गारंटी मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि बीएमडब्ल्यू कहीं से रियर व्यू मिरर खरीदती है, यानी कि बीएमडब्ल्यू का कोई सप्लायर है जिससे वो रियर व्यू मिरर खरीदती है। वो रियर व्यू मिरर कंपनी क्या है? लॉस मेकिंग है, वो पैसा बर्बाद कर रही है या फिर लॉस में चल रही है। तो बीएमडब्ल्यू को डर लगता है कि अगर वो रियर व्यू मेकर कंपनी बैंक्रफ्ट हो जाती है तो उनका बिजनेस भी इससे अफेक्ट होगा, उनको रियर व्यू मिरर कहाँ से मिलेगा। तो बीएमडब्ल्यू आता है मदरसन सुमी के पास और मदरसन सुमी को बोलता है कि आप इस रियर व्यू मेकर कंपनी को खरीद लीजिए, ये लॉस मेकिंग कंपनी है और हमें पता है कि आप इसको प्रॉफिट मेकिंग बना दोगे। तो ये ट्रस्ट है बीएमडब्ल्यू को मदरसन सुमी पे। तो ये इनके पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ये इनकी मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसा ट्रस्ट बिल्ड किया है जिससे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको पूरा ट्रस्ट है मदरसन सुमी पे कि मदरसन सुमी किसी भी तरीके से इस प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से चला करके प्रॉफिट मेकिंग बना लेगा। तो इस वजह से ये कंपनी आती है मदरसन सुमी के पास, तब मदरसन सुमी खरीदता है। और इससे होता क्या है कि मदरसन सुमी को एक बिजनेस गारंटी मिलती है, यानी कि बीएमडब्ल्यू उसके पास आके बोलता है तो क्या होगा कि जो रियर व्यू मेकर कंपनी को मदरसन सुमी खरीदेगा उससे वो बिजनेस करेगा, क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू को रियर व्यू मिरर सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे उनको बिजनेस गारंटी मिलती है, तभी वो इस तरीके से एक्विजिशंस करते हैं। तो ये काफी यूनिक तरीका हो जाता है मदरसन सुमी के एक्विजिशन करने का। तो ये कंपनी का बहुत ही बड़ा सीक्रेट है और इसी सीक्रेट की वजह से आज मदरसन सुमी 40,000 करोड़ की ऑटो पार्ट्स कंपनी है। कभी नहीं सुना होगा आपने इंडिया में कि ऑटो पार्ट्स कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है। बहुत सारी ऑटो पार्ट्स कंपनी है, उनके मार्केट कैप को आप चेक कर सकते हो, 10-10 सालों से वो 100 करोड़ या फिर 1,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी हुई है। वो कंपनियां कभी बड़ी हो ही नहीं पाती, लेकिन मदरसन सुमी का जो सीक्रेट है वो यही है, इसकी वजह से ये कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। और यही इनका फ्यूचर भी है, काफ़ी इंस्पायरिंग इनका फ्यूचर है। जब भी ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा तो बहुत सारे ऑटो पार्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर है वो बैंक्रप्ट होंगे, वो बैंक्रप्ट होंगे तो एक्विजिशंस के लिए मदरसन सुमी के पास ही आएंगे। तो अपने को पता है इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वो मदरसन सुमी के पास क्यों आएंगे? क्योंकि मदरसन सुमी ने एक ट्रस्ट बना रखा है, इस वजह से वो कंपनियां मदरसन सुमी के पास आएगी। और ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आउट ऑफ बिजनेस होती रहती है, ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां बैंक्रप्ट होती रहती है। तो मदरसन सुमी इसी तरीके से एक्विजिशन करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सीक्रेट है मदरसन सुमी का। अगर इसकी बात करें कि इस बिजनेस को क्या थ्रेट्स है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो है कि इनके लो मार्जिन है, जो अपन पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनियों के मार्जिन हमेशा काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, उसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यही प्रॉब्लम है मदरसन सुमी के पास। मदरसन सुमी के मार्जिन 5-6% के, 7% के इनके मार्जिन है, जो काफ़ी लो है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा फ्यूचर में भी करेगी। इतना लो मार्जिन होने के बावजूद ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। दूसरी इस कंपनी के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि मदरसन सुमी की बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनियां हैं। उसका रीज़न ये है कि इस कंपनी के प्लांट्स जो है वो पूरी दुनिया में है। इन्होंने जो एक्विजिशंस किए हैं वो जगह जगह से किए हैं, कोई यूके में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है, कोई चाइना में है, कोई बेल्जियम में है। तो हर जगह से इन्होंने प्लांट को अक्वायर किया है
और उसको अक्वायर करने के बाद होता क्या है कि उस प्लांट को ये एक कंपनी में मर्ज नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि हर देश का जो टैक्स कोड होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम से फाइनेंशियल ईयर उनके स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से वो एक सिंगल एंटिटी नहीं बना सकते। यही कारण है कि उनकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए भी करता है कि जब आप कंपनी का एनालिसिस करोगे, इस कंपनी की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी सब्सिडरी कहाँ पर क्या कर रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये एनालिसिस था मदरसन सुमी का, किस तरीके से मदरसन सुमी इतनी बड़ी कंपनी बनी। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी STS प्राइम पोर्टफोलियो सर्विस, जिसमें आप मेरे पोर्टफोलियो को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और आप जान सकते हैं हम क्या बाई करते हैं, क्या सेल करते हैं और हम किस कंपनी को बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो STS प्राइम पोर्टफोलियो सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8239249769, ये हमारे नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।